लाल सिंह चड्ढी, सॉरी माफ करना, देखो देखो नहीं, लाल सिंह चड्ढा, सॉरी प्लीज, मैं आप लोग को बोलती हूँ अगर आप लोग ने ये दिखाया ना माँ के साथ, मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं नहीं सॉरी, वो आमिर खान कब से डरने लग गए, मतलब रिलीज नहीं होने, क्यों क्या किया, ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे, क्यों रीजन क्या है, वो लंबी दाढ़ी बढ़ा दी और आमिर नहीं दिख रही इसलिए। रीजन क्या है, रीजन तो बताओ भाई, आमिर खान कब से डरने लग गए, आमिर खान को बोलो डरने की क्या जरूरत है, मेरा फ्रेंड है आमिर खान, और लाल चड्ढा ना, लाल सिंह चड्ढी, सॉरी माफ करना, देखो देखो नहीं, लाल सिंह चड्ढा, सॉरी प्लीज, मैं आप लोग को बोलती हूँ अगर आप लोग ने ये दिखाया ना माँ के साथ, मैं आत्महत्या कर लूंगी। नहीं नहीं सॉरी, वो टंक है ना, सॉरी यार वो सब नहीं बाबा, लाल सिंह चड्ढा, ये कोई थे क्या, नहीं नहीं पता नहीं, कोई मंत्री वंत्री हो गए या कोई हमारे पुराने जमाने के, रियल पर्सन के ऊपर है, देखो मुझे मालूम नहीं है, हैं मुझे मोदी जी के बारे में बोलो तो मुझे मालूम है, है ना, मुझे मोदी जी के बारे में बोलो तो मुझे मालूम है, और मैं और उनको और किसी को जानती है, बापू के बारे में मालूम है, वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में मालूम है, तो मुझे इनके बारे में नहीं मालूम है तो मैं क्या बोलूँ, है ना, कंट्रोवर्शियल सीन हिंदुइज्म के बारे में, इसलिए अच्छा कंट्रोवर्सी के बारे में, कंट्रोवर्शियल सीन हिंदुइज्म के बारे में कुछ दिखाए इसलिए बॉयकॉट कर रहे हैं। अच्छा नहीं, आमिर खान तो एक ब्रेव है, आमिर खान किसी से डरते नहीं है, उनकी फिल्में तो डेफिनेटली रिलीज होती है भाई, मैं तो नहीं बोलती, अगर कुछ कॉन्ट्रोवर्शियल है तो आप उसको काट दो सीन को और रिलीज करो, आमिर खान तो ब्रेव है, और आमिर खान की एक बार फिल्म आती है वो तो सबको मात दे जाती है, आसमान छू जाती, नोटों की बारिश होती है।